हेलो दोस्तों, मैं हूं किरण और आप सभी का स्वागत है किरण्स कुकिंग चैनल में। चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहां लगभग 800 ग्राम कॉकरेल चिकन लिया है, जिसमें एक चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर और एक पूरे नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लिया है। चिकन को सभी मसालों में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम फ्रिज में आधे घंटे तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। फिर हम एक कढ़ाई को गर्म करके उसमें कुछ खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। खड़े मसालों की लिस्ट और क्वांटिटी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। सभी मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएं, तब इसमें थोड़ी सी पानी मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज के प्याज को बारीक काट लिया है। इसके बाद एक कढ़ाई में मैंने 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल और 5 से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें 2 से 3 कटी हुई मिर्च और फाइनली चॉप्ड प्याज को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। प्याज में मैंने थोड़ी सी हल्दी भी मिला दी थी, जिससे ग्रेवी का रंग अच्छा आएगा। प्याज के सॉफ्ट होने के बाद तैयार किए हुए रोस्टेड मसालों के पेस्ट को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले जब प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब उसमें थोड़ी सी और हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर फिर से अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद मसालों में 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर देंगे। अब मसालों को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद मसाले जब अच्छी तरीके से पक जाएं, तब उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब चिकन को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकाएंगे। दस मिनट के बाद अगर मसाला ज़्यादा ड्राई हो जाए, तो उसमें आधी कटोरी पानी मिलाकर फिर से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब चिकन मसालों के साथ अच्छे से पक गया है। आप चाहें तो चिकन को इस स्टेज में सर्व कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेवी को थोड़ा पतला रखना चाहते हैं, तो आधा गिलास गर्म पानी इसमें डालकर अच्छे से मिला लें और 5 मिनट के लिए फिर से मीडियम फ्लेम पर पकाएं। लास्ट में चिकन मसाला डालकर अच्छे से मिला लें। इस प्रकार तैयार है हमारा देसी स्टाइल में बना चिकन करी। चिकन करी के रेडी होने के 5 से 10 मिनट के बाद इसे चावल या रोटी के साथ सर्व कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।